हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंगल ऑफ स्टडी रूट ऑफ सक्सेस द ऑनलाइन करियर एंड एजुकेशन क्लासेस। गाइस, इस वीडियो में हम जुलाई मंथ की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है वह है कौन सी कंपनी भारतीय लघु और मध्यम उद्यमों की मदद के लिए 250 करोड़ रुपए निवेश करेगी। तो कौन सी कंपनी भारतीय लघु और मध्यम उद्यमों की मदद के लिए 250 करोड़ का निवेश कर रही है? तो वह कर रही है मास्टर कार्ड। ऑप्शन टू इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा समाधान की पेशकश करने के लिए बजाज एलियांज लाइफ के साथ एक कॉरपोरेट एजेंसी साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस बैंक ने किए हैं? तो यह किया है करूर वैश्य बैंक ने। ऑप्शन फाइव जो है इसका राइट आंसर है, करूर वैश्य बैंक। तो करूर वैश्य बैंक ने अपने ग्राहकों को जीवन बीमा समाधान की पेशकश करने के लिए बजाज एलियांस लाइफ के साथ एक कॉरपोरेट एजेंसी साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोइंग हैंडेड ओवर द 5H-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स टू द इंडियन एयरफोर्स। बोइंग इज ए कंपनी ऑफ विच कंट्री? तो हमें बताना है, बोइंग ने भारतीय वायुसेना को 5H-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों को सौंप दिया है। तो बोइंग किस देश की कंपनी है? तो बोइंग है यूएस की कंपनी है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 750 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यह किया है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 750 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है? तो कौन सी सरकार ने लिया है यह निर्णय? तो यह लिया है आसाम की सरकार ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, आसाम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सेल्फ स्कैन नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल ने। ऑप्शन फाइव इज राइट आंसर, वेस्ट बंगाल ने सेल्फ स्कैन नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर, 11 जुलाई। क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल का चौथा संस्करण यूरोपीय संघ चीन और कनाडा द्वारा सह अध्यक्षता किया गया था। तो भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन फाइव, प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी 12 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली भारतीय फर्म बन गई है? तो कौन सी कंपनी बन गई है? आर आई एल। ऑप्शन टू राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं जी आकाश। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस देश को भारत ने 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नकद अनुदान के तहत आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंप दिए हैं? तो मालदीव इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन टू मालदीव। मालदीव को भारत ने 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर के नकद अनुदान के तहत आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंप दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में नाबार्ड ने 298 वाटरशेड परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए 221.89 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता का विस्तार किया है? तो वह किसने किया है? कर्नाटक ने। राइट आंसर है कर्नाटक। तो कर्नाटक
राज्य में नाबार्ड ने 298 वाटरशेड परियोजना का समर्थन करने के लिए 221.89 करोड़ रुपीस की अनुदान सहायता का विस्तार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में शीर्ष के रूप में उभरा है? तो वह है मध्य प्रदेश। राइट आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने अगले 5 से 7 वर्षों में गूगल फॉर इंडिया डिजिटल फंड के माध्यम से भारत में कितने रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो यह की है 75,000 करोड़, मतलब 75,000 करोड़। राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश जापान में तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से अपना पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन एक मार्स ऑर्बिटर हॉप लॉन्च करेगा? तो यह करेगा यूएई। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको एशियाई विकास बैंक एडीबी के नए उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया है? तो अशोक लवासा को एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, अशोक लवासा। किसने डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञता नाम से दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो राइट आंसर है इसका रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन टू इज राइट आंसर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 16 जुलाई को अपना 52वां स्थापना दिवस मनाया, तो आईसीएआर का मुख्यालय कहाँ है? तो आईसीएआर का मुख्यालय है न्यू दिल्ली में, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके साथ भारत ने अगले 5 वर्षों 2020 से 2025 के लिए वैज्ञानिक सहयोग पर समझौते को नवीनीकृत करने पर सहमति व्यक्त की है? तो राइट आंसर है यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ के साथ भारत ने अगले 5 साल के लिए वैज्ञानिक सहयोग पर समझौते को नवीनीकृत करने पर सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने गैर खाद्य बीजों से जैव ईंधन के उत्पादन के तरीके विकसित किए हैं? तो कौन सी आईआईटी ने किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने, ऑप्शन दो इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस देश के साथ भारत ने तेजी से डिजिटलीकरण के बीच साइबर खतरों से निपटने में सहयोग का और अधिक विस्तार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है यह हस्ताक्षर? तो यह किया है इसराइल के साथ, ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। इसराइल के साथ भारत ने तेजी से डिजिटलीकरण के बीच साइबर खतरों से निपटने के सहयोग का और अधिक विस्तार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो इसराइल के साथ किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे उभर इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? प्रभजीत सिंह को उभर इंडिया और दक्षिण एशिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, प्रभजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी के इंक्यूबेटेड स्टार्टअप मॉडुलस हाउसिंग ने एक पोर्टेबल अस्पताल मेडिकेप विकसित किया है जिसे कहीं भी स्थापित किया जा सकता है? तो किसने किया है यह? आईआईटी मद्रास ने किया है। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियां किस वर्ष तक रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगी? तो किस वर्ष तक जुड़ जाएगी? तो ये जुड़ जाएगी 2023 तक, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस दिन विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई को, ऑप्शन फोर इज राइट आंसर, 17 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्जुन अवार्डी पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है जिनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है?
तो जो रमेश टीकाराम है उनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया, और यह अर्जुन अवार्डी पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो रमेश टीकाराम इसका राइट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है, यूनिसेफ इंडिया ने संयुक्त रूप से यूनिसेफ के रीइमेजिन अभियान को विकसित करने के लिए किस संगठन के सामाजिक आर्थिक विकास फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? फिक्की के साथ समझौता किया है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो यह की है यूपी राज्य के। तो ऑप्शन फाइव इज राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ फाइट का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का मुख्यालय है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन टू इज राइट आंसर, लॉजेन स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2020 भारत विचार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो यह की थी, ऑप्शन फाइव इज राइट आंसर, USIBC। तो USIBC ने 2020 भारत विचार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके साथ रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने T-19 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लस प्लक्स के लिए 557 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो यह किए BEML ने। ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो जो लालजी टंडन है उनका हाल ही में निधन हो गया और वो मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है पी प्रवीण सिद्धार्थ को। ऑप्शन फाइव इज राइट आंसर। तो प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एम्स ने देश भर की आईसीयू डॉक्टरों के साथ आईसीयू नामक एक वीडियो परामर्श कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह कार्यक्रम शुरू किया है एम्स दिल्ली ने, एम्स न्यू दिल्ली ने। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन सीमा पर सटीक निगरानी करने के लिए भारतीय सेना को भारत नामक अपना स्वदेशी विकसित ड्रोन किसने प्रदान किया है? तो यह प्रदान किया है DRDO ने। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SpaceX ने किस देश का पहला सैन्य उपग्रह अनासिस सेकंड लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन थर्ड, साउथ कोरिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पासिस एक्सरसाइज आयोजित किया है? तो किसके साथ आयोजित किया है? US। राइट ऑफ आंसर है US। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से अपनी स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के 3 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं, तो इस मिसाइल का नाम क्या है? तो इस मिसाइल का नाम है ध्रुवस्त्र। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेम पे ने एक संख्याहीन कार्ड फेम कार्ड के लॉन्च की घोषणा की है, तो यह कार्ड किस बैंक की साझेदारी में लॉन्च? तो यह लॉन्च की है IDFC बैंक के साथ। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नई दिल्ली में CAG कार्यालय में डॉक्टर BR अंबेडकर की एक प्रतिमा का अनावरण किया? तो किसने किया ये किया? M.K. वेंकैया नायडू ने। ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। तो
एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में सीएजी कार्यालय में डॉक्टर बीआर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। तो एम वेंकैया नायडू इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन फर्स्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो यह मिशन था चीन का। तो राइट आंसर है इसका चीन। तो चीन ने मंगल पर अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन फर्स्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लेह में स्थित प्रयोगशाला डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की? तो यह की डीआरडीओ ने। ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश 87 नंबर का देश बन गया है? तो वो बना है निकारागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2023 के लक्ष्य से पहले खसरा और रुबेला को खत्म करने वाले दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में पहले दो देश बन गए हैं? तो राइट आंसर है इसका बहुत फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन फाइव, मालदीव और श्रीलंका 2023 के लक्ष्य से पहले खसरा और रुबेला को खत्म करने वाले दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र बन गए हैं। किसके साथ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने डेटा विनिमय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किया है? तो ये सेबी ने किया है। तो सेबी के साथ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने डेटा विनिमय के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल के सहयोग से भारतीय रेलवे ने 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? तो किस राज्य में स्थापित किया है? तो यह स्थापित किया है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के सहयोग से भारतीय रेलवे ने 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ देश की भविष्य की रक्षा तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस आईआईटी में एक शोध प्रकोष्ठ स्थापित करेगा? तो राइट आंसर है इसका आईआईटी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन का नाम क्या है जिसको उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किया है? तो इसका नाम है एलाइनमेंट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। तो इस एप्लीकेशन का नाम है एलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के तटरक्षक बल के साथ भारतीय तटरक्षक बल के साथ भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के तटरक्षक बल के साथ भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने बेरोजगार स्थानीय युवाओं के लिए महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह पोर्टल लॉन्च किया है महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 117 नंबर पर। राइट ऑप्शन, राइट आंसर ऑप्शन फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ किया है? तो यह किया अफगानिस्तान के साथ। ऑप्शन फाइव इज राइट आंसर। अफगानिस्तान के साथ भारत ने शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप का अनावरण किया है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है जियोमीट। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, जियोमीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है?
तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। ऑप्शन टू इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी के साथ सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए भागीदारी की है? राइट आंसर है ऑप्शन टू फेसबुक। तो फेसबुक के साथ सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? तो यह कौन से राज्य ने किया है? तो यह अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। तो मध्य प्रदेश ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? इंतजार आपका अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने देश में COVID-19 के रोकथाम और नियंत्रण गतिविधियों का मार्गदर्शन करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया, तो उस समिति के अध्यक्ष कौन है, हमें यह बताना है। तो समिति के अध्यक्ष है वीके पॉल। ऑप्शन फोर्थ इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय का मुख्यालय स्थित है वियना में। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने चेस्ट एक्सरे से COVID-19 का पता लगाने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण विकसित किया है? तो कौन सी आईआईटी ने किया है? यह आईआईटी गांधीनगर ने किया है। ऑप्शन टू इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस बैंक ने पूरे भारत में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किस बैंक ने यह घोषणा की है? एचडीएफसी बैंक ने यह घोषणा की। ऑप्शन टू इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सेना ने मेजर जनरल निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में किया है? तो कौन से देश ने किया है? यह किया है पाकिस्तान ने। ऑप्शन टू इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन फर्स्ट इंद्रामणि पांडे को किया है। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो भारत का सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। ऑप्शन टू इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल और एनटीपीसी के बीच वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो यह किस शहर में स्थापित होगा? तो यह स्थापित होगा न्यू दिल्ली में। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने दो परियोजनाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए जिनमें से एक 200 मिलियन डॉलर का प्रथम तमिलनाडु आवास क्षेत्र सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम और 50 मिलियन डॉलर की तमिलनाडु आवास एवं पर्यावास विकास परियोजना है? तो किस बैंक ने दो दो परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए हैं समझौते पर? तो यह किए हैं विश्व बैंक ने। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है? तो किस राज्य ने कवक पार्क विकसित किया है? तो यह किया है उत्तराखंड सरकार ने। ऑप्शन थ्री इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक ने 400 मिलियन के साथ गंगा नदी के कायाकल्प के लिए भारत सरकार के कार्यक्रम के लिए अपना समर्थन बढ़ाया है? तो राइट आंसर है इसका विश्व बैंक। ऑप्शन टू इज राइट आंसर, वर्ल्ड बैंक। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश COVID-19 रोगियों के इलाज के लिए अपनी तरह का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित करेगा? तो पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया है न्यू दिल्ली ने।
ऑप्शन टू इज राइट आंसर। किस शहर में प्रौद्योगिकी फर्म ओरेकल ने भारत में अपने दूसरे डेटा सेंटर का अनावरण किया है? तो किस शहर में किया है? यह किया है हैदराबाद में। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। हैदराबाद में प्रौद्योगिकी फर्म ओरेकल ने भारत में अपने दूसरे डेटा सेंटर का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडन इंडिया द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार कौन अब तक के सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज हैं? तो राइट आंसर है इसका राहुल द्रविड़। ऑप्शन फाइव इज राइट आंसर। तो विजडन इंडिया द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार जो राहुल द्रविड़ है वो अब तक के सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज हैं। राइट आंसर राहुल द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? तो यह की है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 36वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो किसने की? तो राइट आंसर है वियतनाम। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। वियतनाम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 36वें आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार पर एनजीटी ने किठिगना हल्ली झील में प्रदूषण पर 10 लाख रुपए का अंतरिम जुर्माना लगाया है? तो किस सरकार पर लगाया है? कर्नाटक सरकार पर। तो कर्नाटक राज्य सरकार पर एनजीटी ने किठिगना हल्ली झील में प्रदूषण पर 10 लाख रुपए का अंतरिम जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में विनी महाजन को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर, विनी महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राज्य में मजदूरों के कल्याण और विकास के लिए प्रवासी श्रमिक आयोग गठित किया है? तो किस राज्य में किया है? या मध्य प्रदेश में किया है? ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। तो मध्य प्रदेश में मजदूरों के कल्याण और विकास के लिए प्रवासी श्रमिक आयोग गठित किया गया है। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू सो मच। हैप्पी वॉचिंग।